इंटर्नशिप तो के लिए अप्लाई कर सकते हो कौन कौन से पोजिशन है और कहाँ कहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कौन कौन से लोकेशन है जियो के जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा समझने की कोशिश करना है की कौन कौन से पोजिशन है कैसे आपको अप्लाई करना है वरना आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो हो सकता है आपको इंटर्नशिप नहीं मिले और इस समय इंटर्नशिप मिलना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही कम पोजिशन बचे हुए हैं जिनके इंटर्नशिप पहले से लगे हुए थे उनके भी कैंसिल हो गए हैं तो इस वीडियो को तुम बहुत ही ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना क्योंकि अगर लास्ट तक तुम नहीं देखते हो तो हो सकता है कुछ तुम मिस कर जाओ तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो अगर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए उनके इंटर्नशिप्स के लिए करियर डेवलपमेंट के लिए मैं बताता रहता हूँ डिफरेंट कोर्सेज वगैरह तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसे भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे हम जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं और आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप वहां पे पूछ सकते हो और हम सभी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं तो ये जो स्क्रीन पे तुम देख सकते हो यहाँ पे जियो का मैंने करियर का मैंने वेबसाइट खोला हुआ है जियो करियर पे बहुत सारे अभी पोजिशन ओपन है इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे देख सकते हो इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे आप इनरोल करके बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो कि जो इनोवेशन है आपके अंदर आ सकती है आप जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो चैलेंजेस है उस पर काम कर सकते हो यहाँ पे और नीचे एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इसमें इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो तो सबसे पहले आपकी एज जो है अट्ठारह साल से अधिक होनी चाहिए अट्ठारह साल आपका कंप्लीट हो गया हो तभी इस इंटर्नशिप में अप्लाई करना और जो सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है कि आप किसी कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कोई डिग्री ले रहे हो जैसे बीटेक वगैरह इनरोल्ड होना चाहिए आप और जो कॉलेज हो बहुत अच्छा होना चाहिए बहुत अच्छा कहने का मतलब कि अगर स्टेट लेवल का कॉलेज है या थर्ड टायर का भी कॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टायर के जो कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि आपको अपने कॉलेज से एनओसी लेना पड़ेगा नो no ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मिलता है कॉलेजेस से कॉलेज के जो डायरेक्टर या प्रोफेसर वगैरह देते हैं वो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज से इस इंटर्नशिप में काम करने के लिए अब बढ़ते हैं हम जो पोजिशन हैं जो फील्ड्स हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप मिल रही हैं तो पहला जो है यहाँ पे देख सकते हो मशीन लर्निंग का है फाइव नेटवर्क में अगर आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है आपने उसमें पहले से प्रोजेक्ट किया हुआ है पहले से इंटर्नशिप किया है तो इस पोजिशन में आप अप्लाई कर सकते हो और जो सिटी uh, जहाँ पे इंटर्नशिप हो रही है वो है मुंबई जो मुंबई लोकेशन है वहां पे इंटर्नशिप होगी और जो ड्यूरेशन है वो इलेवंथ ऑफ मई 2020 से

तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं बता दू ये सारे इंटर्नशिप्स हैं आप पोजीशंस देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोजीशंस हैं सिक्स पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें मार्केटिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक के पोजीशंस ओपन है अब इसमें अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो सबमिट इंटरेस्ट है उस पर क्लिक करना है जैसे मान लो मेरे को मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग पे क्लिक कर दूंगा उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने उस फॉर्म को आपको जस्ट फिलअप करना है और सबमिट कर देना है देख सकते हो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर आपको भी देना है यहाँ पे क्योंकि जियो बहुत ही ऑथेंटिक कंपनी है वो आपका पूरा जो ब्यौरा है वो लेना चाहती है फिर मोबाइल नंबर फिर हाईएस्ट एजुकेशन इसमें आप जो अगर डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक वगैरह कर रहे हो वो फिल कर देना इंस्टीट्यूट का नाम कोर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो देख सकते हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अदर्स में आप कर सकते हो अगर आप इनमें से अगर डिप्लोमा वगैरह कुछ कर रहे हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो कोर्स टाइप ऑफ फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी वो सेलेक्ट कर सकते हो पासिंग ईयर आपका जैसे मेरा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है तो मैं सिलेक्ट लूंगा उसके बाद प्रिफर्ड सिटी जो भी सिटीज थे तो यहाँ से आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हो प्रीफर्ड लोकेशन यहां से सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद जैसे सिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद एक ही लोकेशन उसके बाद मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी देना होगा अपना जैसे आ, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पहले आपको स्कैन कॉपी आप आधार देना पड़ेगा फिर आपके कॉलेज की आईडी कार्ड भी देनी पड़ेगी दो आपको चीजें देना पड़ेगा तो यहाँ सेलेक्ट करके आप देख सकते हो उसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन हैं उसको फॉलो करना होगा तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक ले बाय है गुड डे स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग